हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। चैप्टर चल रहा है आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसमें राहुल सर ने आपको टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में भी बताया था राहुल सर ने कि इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, ठीक है, विच प्रोड्यूस्ड द स्मॉल अमाउंट, या बोल सकते हैं विच प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बट स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। इसके दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, आज का वीडियो क्लास सिक्स के लिए है और घर पे रहे। एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सिक्स क्लास स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, अटेंशन प्लीज, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। साइंस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू यूट्यूब, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। आप घर पे रहिए बट साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहे, संडे की संडे प्रैक्टिस करें, ठीक है। डायग्राम को सिस्टमेटिक बताएं, सिस्टमेटिक बनाना है, ठीक है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। नीट एंड क्लीन करना है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। आपको बताया था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, लास्ट वीडियो में लिखवा चुके थे राहुल सर, ठीक है। उस वीडियो को इंक्लूड करेंगे आगे, ठीक है। और वीडियो को इंक्लूड करते हुए आगे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल का दूसरा नाम भी बताया था राहुल सर ने, ड्राई सेल बोलते हैं और जस्ट सेल बोलते हैं। इतनी थ्योरी आपको लास्ट जो टॉपिक बताया था और लास्ट थ्योरी जो लिखवाई थी आपको, लिखवाई थी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लिखवाया था आपको। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब जो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब यूज एंड थ्रो होता है, आप इन्हें फेंक दिया कर, ठीक है, इन्हें फेंकते हैं, क्योंकि जो एक तो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको रिचार्ज कर सकते हैं बट इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डिनरी सेल्स को यूज एंड थ्रो सेल्स आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पर आपको लिखवा रहे राहुल सर, आगे लिखिएगा आप, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि देखिएगा, वी शुड नेवर ज्वाइन, नोट डाल करके लिखिए आप, ठीक है। यहां पर नोट डाल दीजिएगा NOTE, ठीक है। एक सेकेंड आपको बता देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर लिखिएगा, एक सेकेंड बस, देखिएगा आप लिखिएगा नोट डाल करके NOTE, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा आप, ठीक है। हमें कभी भी, सुन लीजिएगा, हमें कभी भी सेल की जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव को ज्वाइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे लिखिएगा वी शुड, ठीक है, वी शुड, ठीक है, नेवर एनी वी आर नेवर ज्वाइन, जो राहुल सर बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ, मेरे वर्ड्स हैं, मेरे लिरिक्स हैं, उनको सुन करके उनको ध्यान दीजिए, उनको सुन करके लर्न कीजिएगा, उनको सुन करके होमवर्क कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, लिखता हूं मैं कई बार शॉर्ट में लिख देता हूं, लेकिन जो बोलूंगा ना मैं वो कंप्लीट बोलूंगा, इसलिए आप, मैं जो बोलता हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। वी शुड नेवर, ठीक है, ज्वाइन द टू TWO टर्मिनल, ठीक है, TERMINAL टू टर्मिनल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है, एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नेगेटिव, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। किसके हैं ये दोनों, ऑफ अ सेल, CELL, ठीक है, ऑफ अ सेल, ठीक है। आगे लिखिएगा, इनको कभी भी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आगे लिखिएगा ऑफ अ सेल CELL डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली बाय बी वायर, बाय अ वायर, किसी वायर से इनको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या होगा अगर ज्वाइन कर देंगे, दिस इज बिकॉज, अगर क्या होगा कि इनको ज्वाइन कर देंगे, अगर हम ज्वाइन कर देंगे दोनों को तो सेल क्या होगा, केमिकल प्रेजेंट इन द सेल गेट यूज वेरी फास्ट, जो केमिकल होता है वो यूज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज, आगे चलो लिखवा देता हूँ कारण, लिख लीजिएगा दिस इज, आगे लिखवा देता हूँ दिस इज बिकॉज, BECAUSE। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट जो सिक्स क्लास में आए, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो EBS सब्जेक्ट फिफ्थ में पढ़ा था उसी का ही डेवलप्ड फॉर्म राहुल सर आपको साइंस की फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, बट आप घर पर रहकर के, सुरक्षित रहकर के साइंस को प्रैक्टिस करें, लर्न करें, क्योंकि आप फिफ्थ क्लास से प्रमोट हुए हैं सिक्स क्लास में, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, यानी कि आई थिंक यू शुड लॉट ऑफ, यू शुड गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट योर होम, ठीक है, स्टे एट होम एंड यू शुड वर्क आउट, ठीक है।
क्या आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क हार्ड करने की जरूरत है और क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मेरा मानना यही है और आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे लास्ट वीडियो में है, चाहे वो 10 दिन पहले का वीडियो है, 20 दिन पहले का है, या आज का है, या लास्ट डे का है, या बिफोर लास्ट यस्टरडे बिफोर 2 डेज का है, 3 डेज का है, सो यू कैन इजिली डिस्कस, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द लाइन। दिस इज बिकॉज ये किस लिए होता है भैया कि इफ वी ज्वाइन द टू टर्मिनल, आगे लिखिएगा इफ वी डब्ल्यू ई वी ज्वाइन, ठीक है, वी ज्वाइन द कितने टर्मिनल है सेल की, टू टी डब्ल्यू टू टर्मिनल, ठीक है, टू टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ अ सेल सी ई डब्ल्यू एल ऑफ अ सेल, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, किससे जोड़ देंगे डायरेक्टली, ठीक है, किससे, बाय ए वायर, बाय ए वायर, ठीक है, ओनली अगर वायर से जोड़ देंगे तो होगा क्या, देन जो केमिकल रहता है वो जल जाएगा, यानी कि उसका यूज ज्यादा होगा, देन द केमिकल H2SO4 जो केमिकल भरा हुआ रहता है, देन द केमिकल CHEMICAL, ठीक है, क्या होगा द केमिकल्स जो प्रेजेंट है PRESENT प्रेजेंट है किसके अंदर, प्रेजेंट है इन द सेल, सेल के अंदर, ठीक है। बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको, 8th-9th लेवल की थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, गेट क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, गेट यूज्ड अप, ठीक है, गेट यूज्ड अप, ठीक है, जल्दी होता है तो वेरी फास्ट, बहुत इजी सेंटेंस बना रहे हैं राहुल सर आप लोगों के लिए साइंस में। तो क्या लिखा है, प्रेजेंट इन द सेल यूज्ड गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से इनका यूज होता है, ठीक है। और देखिएगा आगे तो क्या होगा, जो एसिड भरा हुआ रहता है, अब नॉलेज के लिए बता दूं कि सेल के अंदर बैटरी के अंदर H2SO4 भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसका यूज होता रहता है। तो आगे देखिएगा आपको, अब इसकी वर्किंग के बारे में ले चलते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग, तो आपको वर्किंग तो मैंने लास्ट बताई थी आपको यहां से यहां तक कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ठीक है। ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं होता है, तो ड्राई सेल्स के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सेल, जिसके अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ स्मॉल मेटल कैप लगी हुई रहती है ऑन द वन साइड, ठीक है, जिसे पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है, और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ रहता है, मेटल, ठीक है, मेटल उसको बोल सकते हैं डिस्क, जो कि नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है इसके, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो होती है, ठीक है। तो नोट डाल करके, चलो बाद में लिखवा दूंगा, अभी आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो डायग्राम हेडिंग डाल दीजिएगा, डायग्राम, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है, डायग्राम ऑफ सेल, सेल का आपको डायग्राम बनवाएंगे राहुल सर यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, कुछ नहीं है डायग्राम के सेल में, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक राउंड करना और पेंसिल की हेल्प से बनाना है आपको, किसकी हेल्प से बनाना है, पेंसिल की हेल्प से, ठीक है, ध्यान रखना पेंसिल की हेल्प से ही बनाना है आपको डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिएगा, राहुल सर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो इसको बाद में कर देंगे, ठीक है, चलो इसको बाद में देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे, पहले मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, एक सेकेंड बस, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइन्स बना दीजिएगा, ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल 2 लाइन्स, एक सेकेंड, बिल्कुल स्ट्रेट 2 लाइन की स्केल की हेल्प से, आपको मेरे पास स्केल नहीं है सो प्लीज आप स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है, स्केल का यूज कीजिएगा आप, इस तरीके से नीचे से राउंड शेप दे दीजिएगा, ठीक है, आपको स्केल का यूज करना है, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से कर दीजिए, आगे समझ में, और इसको राउंड शेप दे दीजिएगा नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बच्चे डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, आगे समझ में। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से एक मेटल कैप लगा देनी है, इसको दे दीजिए पॉजिटिव, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, नीचे की तरफ जो लगी हुई है मेटल डिस्क है, क्या है ये, मेटल डिस्क, इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है, और ये जो सेल की बॉडी है इसको भी आप डार्क कर दीजिए, ठीक है, डार्क मोटी निडल जो होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ मैं इसकी बॉर्डर को, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छे से बना रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है, इसको हल्का सा डार्क कर दीजिए, ठीक है, अंदर का ये कवर हो गया इसका, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, आपको ऊपर का ये दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, आपने ये कर दिया,
इसके बाद ऊपर वाले को पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे इसे, मेटल कैप। जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया, और नीचे किसको शो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल यानी कि मेटल डिस्क है। ये क्या है, मेटल डिस्क। नीचे लिख देता हूं मैं माइनस, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने मेटल, METAL मेटल डिस्क, DISC, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेगेटिव, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेगेटिव टर्मिनल। ओके डेट्स क्लियर, ठीक है, फॉर यू नो प्रॉब्लम। ओके चलो आगे चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ ऊपर देखिए तो ये क्या है, मेटल कैप है, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए मेटल, METAL मेटल कैप, ठीक है, कौन सा होता है पॉजिटिव, तो लिख दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, डेट्स क्लियर नो प्रॉब्लम। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको थोड़ा बहुत लिक्विड तो शो करोगे ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अंदर हल्की पेंसिल चलानी है, पेंसिल को बिल्कुल लाइट चलाना, देख लीजिए दिख रहा होगा राहुल सर बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज कर रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल लाइट पेंसिल। अगर आपने डार्क कर दिया ना अंदर, तो जो आपने कवर ये जो डार्क किया है ये वाला आपको दिख रहा है बॉर्डर जो डार्क है ये इक्वल हो जाएंगे, जबकि हमें इक्वल नहीं करनी है, क्लियर है, हमें इक्वल नहीं करनी है, तो बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करो आप, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज कीजिए, ठीक है, आगे समझे, ठीक है, इस तरीके से कलर पेंसिल को हल्का हल्का सा चला दीजिए, ठीक है, और ऐसे ही ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, ठीक है, इस तरीके से लाइट पेंसिल चलाइए ऊपर से नीचे, आगे हो गए समझ में, देख लीजिए डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, हल्की हल्की पेंसिल ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलाइए, ठीक है, हल्का हल्का यहाँ कलर कर दीजिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करना, ध्यान रखना अगर आपने डार्क पेंसिल चला दी अंदर तो बिल्कुल अंदर और बाहर का जो सेल का कवर है और अंदर जो लिक्विड है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नेवर टू डू इट, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा आपको मेटल कैप है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नीचे है मेटल डिस नेगेटिव टर्मिनल। आगे की तरफ चलते हैं, नीचे की नीचे फिगर का नाम लिखे, फिगर है एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक, फिगर का नाम जरूर लिख दे, एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, और कौन सा है, और ड्राई सेल लिख दे इसका नाम, ठीक है, ठीक है, और डायरेक्ट सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिखा है एन इलेक्ट्रिक सेल, देख लीजिए, और ड्राई सेल लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ड्राई सेल, ठीक है, और ब्रेक और लिख दिया सेल। आगे चलिए, अब आपको जो आगे का टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सेल के बाद, आपको लेके चलते हैं टॉर्च बल्ब पर, कि बल्ब जो टॉर्च बल्ब होता है बल्ब का क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी कि बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक पतला वायर होता है, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक पतला वायर होता है जिसे बोलते हैं फिलामेंट। तो आप हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, टॉर्च बल्ब, इस एक दो लाइन का गैप दे दीजिएगा, TORCH टॉर्च बल्ब, BULB, आज का वीडियो सिक्स क्लास के लिए ध्यान रखना, ठीक है, टॉर्च बल्ब दो लाइन का गैप देना है, टॉर्च बल्ब। तो सुन लीजिए, बल्ब में क्या होता है, जो बल्ब होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट, ठीक है, जैसे कि टॉर्च में लगा हुआ रहता है, घर में भी बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है, और लाइट एनर्जी से ये चलता है और हीट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, उस फिलामेंट जो बल्ब का फिलामेंट, उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो कि टंगस्टन का किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है ये, द फिलामेंट जो, मतलब देखिए पहले भी मैंने आपको ये इसका प्रोसीजर बताया था, आपको याद है, मैं जब आप आई थिंक आप तो नहीं, जो सेवंथ क्लास में बच्चे थे, जब वो सिक्स क्लास में थे उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन आप लोग बच्चे नए हैं इसलिए आप लोगों को दोबारा एक बार बताना चाहूंगा। जो बल्ब के अंदर पतला वायर होता है जो कि क्या देता है, लाइट देता है, बल्ब कभी रूम में लगा हुआ बल्ब देखा जलता हुआ रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, ग्लो करता है, उसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, बल्ब का फिलामेंट। और ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, किस पर फिक्स होता है, दो थिक वायरों पर, दो मोटे वायरों पर बंधा हुआ रहता है, दो, ये जो फिलामेंट होता है बहुत ही पतला होता है, पतला होने के बाद किस पर यह बंधा हुआ रहता है, दो थिक वायर्स पर यह बंधा हुआ रहता है, ठीक है, और दोनों जो साइड के, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो खंबे हैं और इनके बीच में कोई तार लगा हुआ है, तो ऐसे ही बल्ब में होता है, इस तरीके से फिलामेंट लगा हुआ रहता है। आगे समझ में, तो ये दोनों जो साइड के खंबे हैं जिन्हें सपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है,
तो ये सपोर्ट क्या करते हैं, फिलामेंट को भी सपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और देखिएगा मैं आपको आगे फिगर भी बना के बताऊंगा, जो दो मैंने आपको बताए थे दो थिक वायर होते हैं उनमें से एक वायर का क्या होता है, ठीक है, एक वायर तो कनेक्ट होता है मेटल केस से, यानी कि नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, और एक फिलामेंट पर जाकर टच हो जाता है। द अदर थिक वायर यानी कि दूसरा जो थिक वायर है वो किससे कनेक्ट होता है, मेटल टिप से, यानी कि एक नीचे वायर से कनेक्ट होता है, एक ऊपर से कनेक्ट होता है, ठीक है, आगे समझ में, और पूरा एक सर्किट बन जाता है। और सर्किट बनने के बाद जब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो दोनों टर्मिनल का सर्किट क्लोज सर्किट बनने के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि जो मेटल टिप होती है बल्ब का जो नीचे का हिस्सा है उसे बोलते हैं मेटल टिप, ठीक है, और एक होती है मेटल केस जो चूड़ीदार होता है, मतलब जो आजकल तो मॉडिफाइड बल्ब चल रहे हैं, ठीक है, एक उसके ऊपर मेटल केस मतलब जिस पर वो बंधा हुआ रहता है उसे बोलते हैं मेटल केस। यानी कि दो तरीके के इसमें टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को तो नाम दिया है मेटल टिप जो बिल्कुल नीचे का यानी कि एंड पार्ट होता है बल्ब का, बिल्कुल नीचे का हिस्सा, बल्ब का बिल्कुल नीचे का हिस्सा मेटल टिप बोला जाता है, जो कि एक टर्मिनल होता है बल्ब का, और दूसरा होता है मेटल केस जिसे दूसरा टर्मिनल बोला जाता है। अंदर फिलामेंट लगा हुआ रहता है, दो मोटे वायरों के बीच में एक पतला वायर बंधा हुआ रहता है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे राहुल सर, दो मोटे वायर्स के बीच में एक पतला वायर बंधा हुआ रहता है जिसे फिलामेंट बोला जाता है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ रहता है, जो कि ग्लो करता है, गिव्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट देता है हमें, ठीक है। और बल्ब जो पूरा बल्ब है एक कांच के बल्ब से मतलब कांच के ग्लास से कवर रहता है, मतलब बल्ब देखा होगा कांच का है तो मतलब बहुत पतला रहता है, पॉलिथीन जैसा कवर रहता है और इसके अंदर गैस भरी हुई रहती है, ठीक है। आपके आगे देखिए इसके डायग्राम बनाएंगे, ऑर्गन जो है, जो ऑर्गन गैस का नाम है, एक ऑर्गन गैस इसके अंदर भरी हुई रहती है बल्ब के अंदर, तो आगे देखिएगा मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, इसमें थ्योरी लिखिए टॉर्च बल्ब में द स्मॉल, आगे लिखिएगा ब्लू पेन से थ्योरी लिख लीजिए, द स्मॉल जो मैंने अभी बोला वो सब कुछ मैं लिखवा रहा हूँ, द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, आगे लिखिएगा विच प्रोड्यूसेस लाइट, क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस PRODUCES विच प्रोड्यूसेस लाइट, जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कब प्रोड्यूस करता है, वेन द टॉर्च क्या हो, स्विच ऑन हो, आगे लिखिएगा वेन, ठीक है, आर टॉर्च TORCH, ठीक है, टॉर्च एज क्या हो, स्विच्ड SWITCH, ठीक है, ED स्विच्ड ऑन, जब क्या हो, कौन ऑन हो, टॉर्च जब स्विच ऑन हो तो क्या होता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, टॉपिक क्या चल रहा है, टॉर्च TORCH, उसे टॉर्च बल्ब बोला जाता है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहां पर आप लोगों को लिखवाया बहुत इजी वे में लिखवाया, द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट, वेन कब प्रोड्यूस करता है, जब टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, इज कॉल्ड टॉर्च बल्ब, ठीक है। टॉर्च बल्ब दो चीजों पर कसा हुआ रहता है, मैं इसकी थ्योरी भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, बहुत इजी इसकी थ्योरी है, कुछ नहीं है इसकी थ्योरी में, ठीक है ना, मैं इसको आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। इसके बाद आप लिखिएगा जो टॉर्च बल्ब होता है, इसके अंदर एक स्मॉल ग्लास बल्ब फिक्स होता है मेटल केस पर, तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके द, ठीक है, टॉर्च बल्ब, आगे लिखिएगा द टॉर्च TORCH द टॉर्च बल्ब, ठीक है, समझा भी रहा हूं आपको, लिखवा भी रहा हूं, द टॉर्च बल्ब कंसिस्ट CONSISTS कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल, ऑफ अ स्मॉल, ठीक है, ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा ना आप लोगों के सामने तो आपको समझ में आ जाएगा, सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी है, आपने हमें जिस तरीके से पढ़ाया तो बहुत इजी पढ़ाया है, डायग्राम बनाते पूरी थ्योरी टॉर्च बल्ब की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, लिखते जाइए, ऑन ए मेटल METAL, ठीक है, ऑन ए मेटल METAL मेटल केस, ठीक है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। आगे लिखिएगा जो बल्ब के अंदर, सुन लीजिएगा, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक थिन वायर रहता है जो कि दो मोटे वायरों के बीच में बंधा हुआ रहता है, लिखते जाइए इनसाइड INSIDE इनसाइड, ठीक है, द ग्लास बल्ब, ग्लास के अंदर, इनसाइड द ग्लास बल्ब, ठीक है,
ग्लास वर्क के अंदर क्या होता है, देयर, टी एच ई आर ई, देयर इज ए, देयर इज ए वेरी, वी ई आर वाई, वेरी थिन, पतले को क्या कहते हैं, टी एच आई एन, थिन, ठीक है, पतले को क्या कहते हैं, थिन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, क्या लिखवाया राहुल सर ने, देयर इन साइड द ग्लास वर्क देयर इज ए वेरी थिन, ठीक है, वायर, वेरी थिन वायर, ठीक है। फिक्स, किस पर फिक्स होता है, एफ आई एक्स ई डी, यहां पर राहुल सर ने लिखा है वेरी थिन, थिन वायर के बाद लिखा है, वायर्स के बाद फिक्स्ड, किस पर फिक्स रहता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किस पर, बिटवीन, ठीक है, टू, टी डब्ल्यू, बिटवीन टू थिक, टी एच आई सी के, थिक वायर, दो मोटे वायरों के बीच में बना हुआ रहता है। अब देखिए, जो पतला वायर होता है बल्ब के अंदर उसे फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, आगे लिखिएगा द थिन वायर, टी एच आई एन, द थिन वायर, ठीक है, द थिन वायर इन साइड द बल्ब, द थिन वायर इन साइड द बल्ब, बल्ब के अंदर जो पतला वायर होता है उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, मैंने यहां पर लिखा है द थिन वायर इन साइड द बल्ब इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट, एफ आई एफ आई एल ए एम ई एन टी, उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। किसका फिलामेंट, ऑफ द बल्ब, उसे बल्ब का फिलामेंट, एफ आई एल ए एम ई एन टी, बी यू, एक सेकंड, बी यू एल वी, बल्ब का फिलामेंट उसे बोला जाता है। आगे लिखिएगा, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, आगे लिखिएगा फिलामेंट, एफ आई एल ए एम ई एन टी, फिलामेंट जो होता है इज यूजुअली, यू एस यू ए डबल एल वाई, यूजुअली मेड ऑफ, किसका बना हुआ रहता है, मेड ऑफ ए वेरी, ठीक है, थिन, किसका बना हुआ रहता है, थिन टंगस्टन का, ठीक है, टी यू एन जी एस, टी ई एन, टंगस्टन, मैंने लिखवाया है टी यू एन जी एस टी एन, टंगस्टन वायर का बना हुआ रहता है, ठीक है। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इट इज द फिलामेंट, आगे लिखिएगा, राहुल सर लिखवा रहे हैं आपको, इट इज द फिलामेंट, आगे लिखिएगा, इट इज द फिलामेंट, ठीक है, ऑफ द बल्ब, इट इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये बल्ब का एक फिलामेंट होता है, विच ग्लोज, जो कि ग्लो करता है, विच ग्लोज, जो कि ग्लो करता है, व्हेन, कब, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, ए सेल, ठीक है, जब सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इज पास्ड, ये लिख सकते हैं, पास होती है, इज पास्ड थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एच, जो मेरे को अच्छा लगा मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है, थ्रू, पास थ्रू इट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में टॉर्च बल्ब को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी रह रही है वो करवा दूंगा, डायग्राम आपको बनवा दूंगा सिस्टमेटिक। सो प्लीज घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। यदि कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, किसी भी वीडियो में यू कैन इजीली डिस्कस मी, ठीक है। सो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, और नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग्स में, ब्लू पेन का आपको थ्योरी में यूज करना है, और डायग्राम जैसा कि सेल का आज बना के बताया राहुल सर ने, तो वो पेंसिल से ही बनाना है, सिस्टमेटिक बनाना है, स्केल का